आज एक बहुत ही यम्मी और हेल्दी रेसिपी बनाने वाले हैं और वो है होल व्हीट कुकी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में एक स्टिक बटर लेंगे और इसमें डालेंगे आधा कप पाउडर्ड शुगर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक कि ये बहुत ही लाइट और फ्लफी सा दिखने लगे। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर नहीं है तो फिर आप उसे नॉर्मल शुगर को ब्लेंडर में डाल के और उसे 2 से 3 मिनट अगर ग्राइंड करेंगे तो वो बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में आ जाएगी, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसे इसी तरह से विस्क करना है। मुझे इसे विस्क करते हुए लगभग 4 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना लाइट और फ्लफी सा दिखने लग गया है। इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। इसमें 1.5 कप गेहूं का आटा डालेंगे, 1.5 कप, आधा छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटे चम्मच बेकिंग सोडा। इन सारी चीज़ों को एक बार शिफ्ट कर लेंगे, इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है, अगर आप इस मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपके कुकीज़ बहुत अच्छे बनेंगे। अब इसमें 1/3 कप मिल्क डालेंगे, तो मिल्क थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और ये रूम टेम्परेचर मिल्क है। इसमें हमने बिल्कुल भी मैदा का यूज़ नहीं किया है, इसलिए ये बहुत ही हेल्दी कुकीज़ है और शाम में बच्चों को कुकीज़ खाना तो बहुत ही पसंद आता है। इनफैक्ट बड़े लोग भी चाय के साथ कुकीज़ खाना बहुत पसंद करते हैं। बहुत लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनकी कुकीज़ ओवन में जाके फ्लैट हो जाती है या फिर बहुत हार्ड हो जाती है। अगर डो बहुत पतला होगा तो ये प्रॉब्लम आती है कि कुकीज़ अपना शेप होल्ड नहीं करते। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि इस स्टेज पे आप इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखेंगे और उसके बाद इसे कट करके बेक करेंगे तो आपकी कुकीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब इसे फ्रिज में रख देते हैं। 20 मिनट्स हो गए हैं तो अब डो को कट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बेकिंग ट्रे में पार्चमेंट पेपर रख दिया है। अब इस डो को आप जिस भी शेप में कट करना चाहें उस शेप में कट करके बेक करेंगे। ओवन को भी प्रीहीट कर देंगे 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, जो कि है 175 डिग्री सेल्सियस। आप जितना पतला है जितना मोटा अपना कुकी रखना चाहते हैं आप वैसे कट कर सकते हैं। दो कुकीज़ के बीच में थोड़ा सा जगह रखेंगे। अगर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप ये सेम रेसिपी में शुगर को स्किप करके उसकी जगह पे गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे ओवन में बेक होने डालेंगे लगभग 10 से 12 मिनट के लिए, या जब तक इसके ऊपर का क्रस्ट हल्का सा ब्राउन हो जाए। 15 मिनट्स हो गए हैं और ये कुकीज़ बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अभी इसे 10 मिनट्स के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में रख के आप इसे आराम से 1 मंथ तक कंज्यूम कर सकते हैं। अभी इस टाइम पे ये कुकीज़ बहुत सॉफ्ट है, बट जैसे जैसे ये ठंडा होगा थोड़ा सा हार्ड होता जाएगा, तो इसलिए इसे ठंडा होने दें, उसके बाद ही इसे स्टोर करें। कुकीज़ अब काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बेक हुआ है ये। ये देखिए, इसके टेक्सचर से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए हैं। और आप देख सकते हैं मैंने कितने छोटे छोटे कुकीज़ कट किए थे और ये फैल के कितने बड़े हो गए हैं। इसीलिए हमेशा दो कुकीज़ के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, जिससे कि जब ये थोड़ा सा स्प्रेड हो तो भी ये अपना शेप रिटेन कर सके। और फ्रीज़र में डालने की वजह से आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस अभी भी, हमने जितना कट किया था ये उससे थोड़ी सी ही पतली हुई है, क्योंकि हमने इसे ठंडा किया था। तो बस हमारी कुकीज़ बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपने मेरी रेसिपीज़ ट्राई की हो और उनके फ़ोटोज़ मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू, बाय बाय एंड सी यू अगेन विद माय नेक्स्ट वीडियो।